वेलकम गेमर, स्वागत है आपका हमारे शैडो फाइट 2 के एक और एपिसोड में, जहाँ पे आज हमारे आने वाले हैं हरमिट के लास्ट बॉडीगार्ड को। वो भी किसके वेपन से? लायनस के वेपन से, बड़े वाले क्लॉस, जहाँ पे टाइम बॉम्ब वाली एंचेंटमेंट है। इसके हाथ में कोई वेपन भी नहीं दिख रहा है। अब बोलना हुआ कि क्या नाम है उसका, क्रेन, बिना हथियार के आ गया है भाई। हमको बिना देखे हराएगा बोलता है ये तो। कहाँ भागेगा तू, हट। अरे ओ आराम से आजा आजा। अरे तू भाग बहुत है। अब नहीं भाग सकता, मुझे मालूम है तू ये करने वाला है। ओ देखिए बॉम्ब, हट। कहाँ भागेगा तू, खत्म है भाई। फर्स्ट राउंड हम जीत गए, सेकंड राउंड की बारी भाई। मतलब लिटरली बिना वेपन से जी सकता है हमसे। किसे किसको मारा? ओ है भाई, इसको लगा कैसे नहीं है? ये ले। ओह भाई आराम से। आराम से, इसे बहुत ज़्यादा ही कम कर दिया हमें। इसको लग कैसे नहीं रहा ये? हाँ ओ भाई तू गया। हमें क्या कर लेगा भाई तू, तेरे जैसे कई नमूने आते हैं हमारे पास। कई आवाज़ ज़्यादा तो नहीं होगी ना? ये तो गया। ओ तो हमने हरमिट के एक और लास्ट, पहले तो लास्ट बॉडीगार्ड को उन्होंने क्लास डिसमिस्ड, वो क्लास हो गई है। ओ यार रुक जाइए, चलिए अब थोड़ी सी डुअल लड़ ली जाए। ओ हम जंप नहीं कर सकते, ये देखिए अभी, ये अभी हम नॉर्मल सन है। अब इक्लिप्स करूँगा तो देखिए भी मिल जाते हैं इसमें लड़के, देखते हुए हम जिसमें हम जंप नहीं कर सकते यानी कूद नहीं सकते। ये निंजा सर्वाइवल में मिलती है, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ने। ओ ये कौन से पेपर मिल गया मेरे को? अरे ये तो साई है। अरे यार कुछ ज्यादा ही पुराना पेपर नहीं है? मतलब भूल ही गया था, डुअल है तो उसमें हमारे वेपन्स है ना रैंडम हो जाते हैं। ओ भाई ये देखो, हाँ भले हमारे पास आई क्यों ना हो पर ऐसा नहीं कि हम जीत ही सकते हैं। देखो भाई हम डुअल भी जीत गए। तो चलिए फिर थोड़े से सर्वाइवल लड़ ली जाए। सर्वाइवल तू परफेक्ट। लाइन से क्लॉज अच्छे है बोलूंगा मैं, पर उतने भी अच्छे नहीं है। इसमें आप मालूम है कौन सा भी कॉम्बो नहीं मार सकते इसमें, बस बॉम्ब वाली एंचायमेंट है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बस ये तो अच्छा है, बाकी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं लाइनस के वेपन्स को।
ओ नान चाकू। वो बंदे आराम से मुझे मालूम सही से करने वाला फिर सेट, और फिर से तेरी जान में नहीं फंसने वाला। वो लगा क्या इसको भाई? खत्म खत्म है भाई। ओ स्टाफ देख तो रे क्या करता है। ओ कर दिया इसने तो। अरे भाई हट। खत्म है भाई भी। ओ टोफूस। हट। खत्म है भाई टोफूस भी। लेकिन वो हरमिट का बॉडीगार्ड क्रेन उतना पावरफुल भी नहीं लगा मेरे को। अरे भाई तू कर कह रहा है हा? खत्म। ओ राउंड 7। ओह ये पता नहीं कितने पुराने वेपन्स हैं। कहाँ भागे जा रहे तू? अरे इसको तो पटक दिया हमें। हट तू भागता क्यों नहीं रहे? अरे यार मेरे से कोई मूव लग ही नहीं रहा है। खत्म करने वक्त आ चुका है बंदे। वो भाई तो हमारे साथ में ज़्यादा टेक थोड़ा सा टिक पाया था। ये आ गई वो निंजा जो पिछली बार डुअल मैम से बहुत बुरी तरीके सारी। कहाँ भागेगी तू? हेलमेट ब्रेकर। अरे यार खत्म है भाई ये भी। राउंड 9। ओ भाई इसको तो एकदम खतरनाक लगा है फिर से। कहाँ भागी है तू? ओ भाई हल्के से बच गए हैं। ओ भाई देखिए कितने का मैच में मैं राउंड 9 भी जीत चुका हूँ। राउंड 10 वैसे लास्ट राउंड होता है जो मैं सब्सक्राइबर्स उनको तो पता ही होगा। ओ देखिए भाई हम हल्के से के लिए हार गए हैं। चलिए आपको चीज़ दिखा देते हैं वो भी। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वो आराम से भाई ये देखिए वो दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये है इसका 254 डैमेज है। हमारे स्वॉर्ड का भी 254 इसमें एन्चेंटमेंट लगी हुई है। अब देखिए जब हम लेवल 12 पे जाएंगे तब हम ये देखिए खरीदेंगे स्टील नान चाकू। देखिए क्योंकि हम ये तो खरीद नहीं सकते 185 डायमंड और ये 250 डायमंड। अब कवच का ये और हेलमेट ये और निंजा स्टार ये वाले जब हम लेवल 10 पे। और ये पता नहीं है क्या ये शायद मैजिक वैजिक लिखा हुआ है। देखिए डिफीट हरमिट टू अनलॉक मैजिक। शायद हम हरमिट को जब डिफीट कर देंगे तब हम पास मैजिक आ जाएगा। मुझे पता तो नहीं बट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए।
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।